तो आज हम कर रहे हैं इसके अंदर मीटर रीडिंग। और मीटर रीडिंग बेसिकली एक शीट का डिज़ाइन है जो कि आपको हेल्प करेगा एक दूसरे किस्म के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। वो कैलकुलेशंस हो सकती हैं मिसाल के तौर पर, यानी कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है या वाटर है, इनके इन्होंने बाहर लगाए हुए कंजप्शन मीटर्स। वो मीटर क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप डेटा को ले रहे होते हैं, मतलब यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको वो आपके यूनिट्स के तौर पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें तरीका ये होता है कि जितनी आपने लाइट को कंज्यूम किया उतने हिसाब से वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं और आपको वो उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं। अब इसकी कंजप्शन लेवल को आपने कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप एक तरह की शीट बनाएं और उसमें हम तीन तरह से इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। क्लियर फॉर्मेट, तो ये से हो गया। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है मीटर रीडिंग, यानी कि यहाँ पे मीटर रीडिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या काम कर रहे हैं उसका नाम आएगा, उसके बाद उसके नीचे लिखा जाएगा मीटर रीडिंग, एंड फिर नीचे बताना है बिलिंग मंथ। तो फिर यहाँ पे एक डेट डाली जाएगी किस किस्म का जो है आपने, जो कौन से महीने की जो रीडिंग है वो आपने इधर से लेनी है। तो यहाँ से आप क्लिक करके शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर पाएंगे, और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो वो उस तरह की बता रहा है। तो कौन से महीने की आपकी ये रीडिंग की जो आप बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि जनवरी की दिसंबर की बना रहे हैं तो वो बनेगी 1/1/2024 को, तो ये बिलिंग मंथ तो जनवरी दिखाएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं 31/12/2024, तो यहाँ पे दिसंबर दिखाएगा। और मज़ीद इसके डेट फॉर्मेट को बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ से यहाँ चले जाएं और यहाँ पे जो अदर फॉर्मेट्स आ रहे हैं वहाँ क्लिक करके ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रीडिंग डेट बिलिंग मंथ के बाद सेलेक्ट कर लें यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, और रीडिंग डेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दें मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करें मोर नंबर फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से डेट पर क्लिक करें, और डिफरेंट डेट्स के एस्पेक्ट पर आपको बता देगा कि भाई ये तो बिलिंग मंथ हो गया और किस दिन रीडिंग ली गई थी। तो भाई इसकी रीडिंग मिसाल के तौर पे अगर ली गई थी 31 को ही ली गई थी, तो वही डेट हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 31/12/2023, और ये एंटर कर दिया, या ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसके लिए भी हमने कोई स्पेसिफिक सूटेबल सा डेट फॉर्मेट ले लिया, डेट फॉर्मेट हमने यहाँ से चूज कर लिया, सपोज ये वाला ले लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको सेलेक्ट करके आगे मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो इस तरह इसको एडजस्ट कर देंगे, इनको भी राइट साइड पे करके इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब आपने लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर, मीटर नंबर, यानी कि जो भी उनका इंस्टॉल किया हुआ मीटर है उसका एक नंबर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, कस्टमर नेम यहाँ लिखेंगे, लास्ट रीडिंग, करंट रीडिंग, टोटल रीडिंग इस तरह से लिखेंगे, मतलब पिछले महीने क्या रीडिंग थी और अब आपकी करंट में क्या रीडिंग है और टोटल रीडिंग कितनी, और यूनिट कॉस्ट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एनजी सरचार्ज, ड्यूटी, मीटर रेंट, टैक्स, टोटल टैक्स, नेट बिल और पे बिल बिफोर ड्यू डेट, ये भी हमने यहाँ पे लिख देना है। अब ये देखें सारी चीज़ें लिखने के बाद ये नीचे वाला जो सोल्यूशन है इसमें सेकंड रो पे आपने लिखना है यूनिट की कॉस्ट क्या है, मतलब एक यूनिट कितने का है, मतलब कोई भी एक प्राइस आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर इस पर सेल टैक्स जो लग रहा है उनको आप परसेंट्स में शो करेंगे, और फिर यहाँ पर जो उसकी ड्यूटी है वो आप नंबर्स में, वैल्यूज़ में लिखेंगे, और फिर इस तरह से थर्ड रो पे आएंगे। अब थर्ड रो पे जब आपने आना है तो यहाँ पे आपने डेटा डालना है। अब डेटा सिर्फ आपने डालना है इन चार कॉलम्स के अंदर, यानी कि एक तो सीरियल नंबर, फिर मीटर का नंबर, फिर कस्टमर का नाम, और फिर इसकी जो रीडिंग है यानी कि इसकी जो लास्ट रीडिंग है और करंट रीडिंग है वो आप यहाँ पुटअप करेंगे, और टोटल रीडिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से इस तरीके से कर लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर ये वाले जो सोल्यूशन है ये आपने नहीं करना, ये हम फॉर्मूले की मदद से इसको करेंगे जब हम फॉर्मूलाज को सीखना शुरू करेंगे। तो ये आपका बन गया इसका एक कंप्लीट डेटा का इंटर कर दिया आपने। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ये वाला डेटा जो पहले से लिखा हुआ है ये भी आप इंटर नहीं कीजिएगा, ये इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए फिर इंटर कीजिएगा।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये हम सब कुछ कर लेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको लास्ट कॉलम तक लेकर आएंगे, यानी कि जो हमारा ये वाला कॉलम है, ये वाला पे बी फॉर में इसमें लिखा हुआ है, और इसको करेंगे यहाँ से मार्जिन सेंटर, और सेल स्टाइल्स में जाके इसको साथ साथ टाइटल में कन्वर्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, और अगर कोई फॉन्ट है तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी बेहतर किस्म का फॉन्ट आपको लगता है। हमेशा याद रखें, बेहतर डिज़ाइन सबसे पहले ही, डिज़ाइन आपकी जितनी ज़्यादा अपीलिंग होगी, हम अक्सर इसी में कोताही करते हैं, यार ये तो चलो जैसा बना लिया, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना ही आपकी तारीफ की जाएगी और आपको सराहा जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको एक और फॉर्मेट दे देते हैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म, और इसको भी क्लिक करके एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दिखा देते हैं, जबकि इसके अंदर का डेटा जो है वो हम इसको यहाँ पर और इसके अंदर के डेटा को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग वन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, और यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये इतना बड़ा क्यों हो गया, वो असल में लास्ट वाला जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है इसका, ठीक है, तो उसको इससे थोड़ा सा निकाल दें बाहर, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके, और ये जो पूरी रो इतनी बड़ी हो गई है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी एडजस्ट नहीं हो रहा तो जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे क्लिक करके ये देखें इसको मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको भी देखने को मिल सकते हैं काम के दौरान, तो आपने भी उसका सोल्यूशन इसी तरह से कर लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से मार्जिन सेंटर कर देना है, इसको यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देना है, देन इसको यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देना है, देन फिर इसको यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देना है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको मार्जिन सेंटर कर देना है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि शीट का जो डिज़ाइन सेट करना है कि वो कहाँ तक बनेगा, आप जितने हिस्से पे काम करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके रो हाइट में उसकी हाइट को सेट कर लें, सपोज 25 की हाइट रखी हमने, इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा जाएगा उसको 14 का कर दिया हमने, लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया हमने, ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर को हमने यहाँ पे इस पर अप्लाई कर दिया, और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे भी हमने इसको ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर को अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लास्ट वाला रहेगा इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये मर्ज में हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ क्लिक करके हम यहाँ से लेंगे रोटेट अप टेक्स्ट, तो ये देखें इस तरह से हमें नजर आने लग जाएंगे टेक्स्ट। अगर आप रोटेट अप टेक्स्ट नहीं करते, अगर आप इसको लेंगे सपोज टू बी वर्टिकल टेक्स्ट में, तो वर्टिकल टेक्स्ट में फिर ये आपको इस तरह से नजर आएंगे, ये इस तरह से, और अगर आप रोटेट अप टेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आएंगे, और फिर इसको आप कम करके इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हेडिंग 1-2 में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका ये अप्लाई हो जाएगा, एंड देन फिर आप इसको यहाँ पर भी आपने ये अप्लाई कर दिया है। अब देखिए ये आपके एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लें, लेकिन अभी ठहरिए, क्या ये प्रिंट सही तरह होगा, तो उसके लिए हम लेके जाएंगे इसको पेज लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए कि हमारी शीट थोड़ा सा आउट हो रही है हमारे पेज से, बाई डिफॉल्ट जब आप काम कर रहे होंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आने वाला है, तो आपको तो ये दो पेजेस पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे, तो यहां से हम जाएंगे पेपर के ऊपर, पेपर को सेट करेंगे मतलब A4 के ऊपर, ओरिएंटेशन को रखेंगे लैंडस्केप के ऊपर, और यहां से मार्जिन को हम कर देंगे यहां से क्लिक करके कस्टम मार्जिन की, और यहां से कस्टम मार्जिन पे हम इसका लेफ्ट मार्जिन सेट करेंगे 0.25 पे, राइट मार्जिन 0.25 पे, और टॉप मार्जिन हम इसका रखेंगे 1 पर, और बॉटम मार्जिन 0.25 पर रख के इसको ओके करेंगे। तो देखिए काफी मार्जिन्स भी कंप्लीट हो गए, यहाँ का मार्जिन भी काफी सेट हो गया, और इसका टॉप और बॉटम मार्जिन जो है वो भी सेट है, जबकि राइट मार्जिन पे ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले देख लें आपके कॉलम में जो डेटा आ रहा है वो सफिशियंट है, उनकी स्पेस कुछ ज्यादा तो नहीं है, अब मेरे हिसाब से तो इसकी स्पेस कम है, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा मसला आ जाए कि जिसके अंदर आपका डेटा तो भी चाहिए लेकिन आप इससे कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे कम करेंगे तो डेटा ही आपका इनसफिशिएंट हो जाएगा, और आपका फॉन्ट साइज भी आपने 14 पे रख रखा है, या तो एक तरीका है कि 12 पे करें तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, लेकिन हम उसको भी नहीं करना चाह रहे, तो यहां पर एक टेक्निक और भी है जिससे हम इसको माइक्रो कर सकते हैं। माइक्रो करने की जो टेक्निक है वो ये है कि ये आपकी शीट है, इस पर क्लिक करें और यहां पर देखें स्केल कितना हुआ है इसका 90, बाय डिफॉल्ट आपके पास स्केल आ रहा होगा 100% क्या है, इसकी स्टोरी को जरा समझ लें। देखिए इसकी स्टोरी ये है कि स्क्रीन के अंदर जब आप कोई चीज एडजस्ट कर रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा पेपर पे वो कैसे प्रिंट होगी, इसकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए ना, तो देखिए इसकी ट्रिक ये है 100%, और यहां से आप अपना जूम भी रखें 100%, तो ये आपको जैसा नजर आ रहा है प्रिंट करने के बाद पेपर पे भी ऐसा ही प्रिंट होगा, और इतने डिस्टेंस पर ये आपको ऐसा ही नजर
आएगा। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि भाई अब ये 100% दिखा रहा है तो अब क्या करें। यहाँ पर ये जो स्केल वाला ऑप्शन है, स्केल साइज को कहते हैं, जैसे हम इसको कम करेंगे तो आप नोट करेंगे आपका काम जो है स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा, और स्क्वीज होके आप देखेंगे कि जो काम 2 पेजेस पे हो रहा था वो स्क्वीज होके 1 पेज पर आ जाएगा। अब ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए ये एडजस्ट हुआ 75% पर, इसने इसको क्या किया, ओवरऑल जो टेक्स्ट था जो 2 पेजेस में जा रहा था उसको इसने ओवरऑल को क्या करना शुरू किया, माइक्रो करना शुरू किया, माइक्रो करना शुरू किया, यानी कि इस तरह से माइक्रो किया कि फॉन्ट और उसके बॉर्डर्स और सबको माइक्रो करके उसने एक इस लेवल पे ले आया कि जहां पे वो एडजस्ट हो गया। अब जब वो एडजस्ट हो गया तो आपको यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर दिखा रहा है कि भाई ये अभी ऐसा प्रिंट होगा, आप मुतमईन, हाँ ठीक है हमारा 1 पेज पर आ गया, लेकिन प्रिंट होने के बाद कैसा नजर आएगा। तो जितना स्केल रखा है 75, आप इसको यहां से रखें 75 के ऊपर, 80 पे रखें, तो प्रिंट होने के बाद आपको ये इतना बड़ा नजर आएगा। कुछ लोग ऐसे ना करें कि इसको स्केल को कम करते करते 10 पे ले जाएं, तो 10 पे जब ले जाएंगे तो 10 पर फिर ये आपको तो यहाँ सही नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो प्रिंट व्यू है वो 10 पे आप चेक करेंगे यहाँ पे रख के, तो ये ऐसा प्रिंट होगा पूरे पेपर के ऊपर, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये स्केल लेवल को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट पे रखें, और जज करना चाहें तो फिर यहाँ से अपना जूम लेवल उतना रख के इसको जज कर लें कि भाई ये कैसा प्रिंट होगा, या इस तरह से प्रिंट होगा। तो देखिए हमने इसका पेज सेटअप भी कर लिया, और पेज सेटअप करने के बाद हमें ये और बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन एक मसला ये भी तो हो सकता है ना, कोई अगर मीटर रीडिंग की बात कर रहे हैं तो उसके कोई सारिफ 12 तो नहीं होंगे, 1200 भी तो हो सकते हैं, उस सूरत में क्या करेंगे। देखिए उस सूरत में आपने क्या करना है, अपने ब्लॉक को बड़ा कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे होम में जाऊंगा, और यहाँ से फिल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से सीरीज पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मैं इसको कहता हूँ भाई ठीक है, मुझे तुम ऐसा करो रो पे इनिशियल वैल्यू 1 पे रखो, और जो इसकी स्टॉप वैल्यू है वो 1200 पे रखो। ओके किया, तो इसने कहा टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल्स नीड टू बी सेम साइज। अच्छा, फिल सीरीज कॉलम 1 to 200, तो ये देखें इसने 200 तक प्रिंट कर दिया। अच्छा, तो अगर हम नीचे जाते हैं, शायद नीचे कुछ सेल ऐसे हैं कि वो मर्ज हुए हैं जो इसके हिसाब से इसको नहीं आ रहे थे, तो मैं इसको भी 200 ही सपोज 500 तक ले जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और से कहा सीरीज प्रिंट करो कॉलम में, स्टेप वैल्यू 1 पे रखी और लास्ट वैल्यू मैंने इसकी 500 रखी, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके, तो इसने 500 के नंबर ऑटोमेटिकली नीचे तक जनरेट कर दिए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर बॉर्डर लाइंस को भी मुझे इतना ही जनरेट करवाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके अपनी बॉर्डर लाइंस को ले गया नीचे की तरफ, और यहां पे रख के मैंने इसको भी क्लिक करके यहां से कर दिया ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर। तो जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया ऑल बॉर्डर पर, और यहां से मैंने क्लिक किया थिक बॉक्स बॉर्डर पर, तो ये देखें सेट हो गया। अब आते हैं पेज लेआउट के ऊपर, तो ये तो मेरा पहला पेज नजर आ रहा है, दूसरा पेज देखें इस तरह से प्रिंट होगा, इसके नीचे अगला रिकॉर्ड यहां पर आएगा। लेकिन मैं इसके साथ ये भी चाह रहा हूं कि ये हर पेज के ऊपर हेडिंग को भी जो है रिपीट करे, मतलब ये जो हेडिंग है ये, या फिर ये सारी हेडिंग, डिपेंड करता है मेरे ऊपर जो मैं इसको रिपीट कराना चाहता हूँ। जिसको भी मैं रिपीट कराना चाहता हूँ उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यही पेज लेआउट पे आऊंगा, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का। जैसे ही मैं प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करूंगा, तो अगर मुझे खाली इसी रो को रिपीट करना है तो मैं इस रो पे यहाँ क्लिक करूंगा, तो ये देखिए पूरी रो तो सिलेक्ट नहीं हुई, ये सारा सिलेक्ट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे सिलेक्शन की वजह ये हो सकती है कि हमने ये जो एरिया है इसको मर्ज कर रखा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फिर इसको जाके यहाँ से अनमर्ज करेंगे, और इसको मर्ज जो है हम इस तरह से करेंगे कि ये इतने सेगमेंट के ऊपर मर्ज हो जाए, ऊपर वाली रो में इसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे, और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पे इसको लेके हम इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, या फिर ठीक है, उसके बाद इस हिस्से को इसके अंदर मर्ज कर देते हैं, ओके, अब सेट हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ से जाके लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स के ऊपर, और प्रिंट टाइटल में कहता हूँ रोज टू रिपीट एट टॉप, तो टॉप पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही ओके करूंगा, आप नोट करेंगे पेज लेआउट के अंदर पहले पेज पर भी रिपीट हो रही है, दूसरे पर भी हो रही है, तीसरे पर भी हो रही है, और चौथे पर, इस तरह आपके जितने पेज बन रहे हैं 500 शीट्स के ऊपर उन सब पे ये रो रिपीट होगी, आपको बार बार हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये नहीं, इसके साथ साथ ये पूरा ही प्रिंट हो ऊपर वाला, तो यहाँ प्रिंट टाइटल्स में जाके आप इस सारी रोज को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रोड टू रिपीट द टॉप, और क्लिक करके यहाँ से आप लेकर आएंगे इसको यहाँ तक, और क्लिक करके इसको ओके करेंगे, तो आप देखिए हर पेज पे ऑटोमेटिकली हेडिंग्स रिपीट होंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह आप एक बड़े काम से बच जाएंगे, और ये काम आपका खुद ही ये कर देगा, और इस तरह 500 रिकॉर्ड आपके हर पेज पे प्रिंट हो जाएंगे।
अब आपको कैसे पता चलेगा कितने पेजेस प्रिंट हो गए, तो आप यहाँ से चले जाएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेज वन नज़र आ रहा है, इसके आगे देखेंगे पेज टू, पेज थ्री, एंड देन पेज फोर, एंड पेज फाइव, पेज सिक्स, पेज सेवन, पेज एट, पेज नाइन, पेज टेन, और ये आ गया आपका पेज 11, 12, 13, 14, 15, 16 पेजेस पर आपका ये काम टोटल आएगा, ठीक है, ये पेज ब्रेक रिव्यू में। लेकिन जब आप नॉर्मल व्यू में आएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल व्यू है डिजाइनिंग और डेटा एंट्री के लिए, यहाँ पर आपको सिर्फ हेडिंग देखने को मिलेगी और नीचे आपका सीक्वेंशियल नंबर चल रहा होगा, और इसमें आपको पेज का लिमिट का भी पता नहीं चलेगा। पेज की लिमिट का आपको पता चलेगा यहाँ पर, और रिपीटेशन का पता चलेगा यहाँ पर, और पेज की क्वांटिटी का पता चलेगा पेज ब्रेक के अंदर। सही है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब अगर आप रिपीट नहीं कराना चाहते तो पेज लेआउट में जाके, प्रिंट टाइटल्स में जाके इस रो को यहां से डिलीट कर दें, तो फिर ये इसको रिपीट नहीं करेगा। एक और छोटा सा मसला अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं, उसको भी आप समझ लें, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट के अंदर ग्रिड लाइन स्प्रेड पे। तो आपने एक चीज नोट करी कि मैंने अगर आगे काम करना था तो मैंने उतने बॉर्डर बनाए, अगर मैं ये चाहूं कि ये बॉर्डर खुद ही जनरेट करता रहे, मुझे देने की जरूरत ना पड़े, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 पर आ जाता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, और 500 के आगे तो मैंने बॉर्डर्स बनाए ही नहीं है। ओके, यहाँ पे क्लिक करके 501 से, और मैं फिर और नंबर जनरेट करा देता हूँ, 100 और करा देता हूँ, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, यहां से मैंने लिखा 501 एंड इसको क्लिक करके ओके किया, तो नंबर जनरेट होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। चलें, सिलेक्ट किया यहाँ पे और इसको मैं ड्रैग करता हुआ नीचे ले गया, तो यहाँ से तीनों नंबर को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया, 600 तक के मेरे नंबर जनरेट करा लिए। अब मैं चाह रहा हूँ यार आगे जितने भी मैं एंट्री करता जाऊँ ये खुद ही बॉर्डर उसको फॉलो करता जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे चेक लगा देना है, कहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रिड लाइंस, और नीचे क्या लिखा है, शीट ऑप्शंस, व्यू तो हो रही है, और नीचे क्या कर दूं इसको, प्रिंट। तो जैसे ही प्रिंट करूंगा अब आप पेज लेआउट में आए, देखें अभी आपको इसके नीचे नहीं नजर आ रही ना लाइंस। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ XM123, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिकॉर्ड सपोज टू बी आमिर, और कुछ डेटा डाला। तो अब यहाँ पर ये क्या लाइन प्रिंट होगी, बॉर्डर आएगा या नहीं आएगा, पहले तो यहाँ चेक लगा दिया ग्रिड्स को प्रिंट के ऊपर, तो अभी चेक करते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे आए पेज ब्रेक के अंदर, और पेज ब्रेक के अंदर जहां बॉर्डर दिए थे वो तो दिखा रहा है लेकिन उसके आगे के बॉर्डर इस पे शो तो नहीं कर रहा। चलें, अब चलते हैं फाइल के अंदर, फिल के अंदर जाके प्रिंट पे देखते हैं, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं शो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ 19 पेज है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ उसके पेज नंबर 18 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये 18 पेज पर आ गए। आप देख रहे हैं ये 18 पेज पर ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ गए, और सीरीज चल रही है 550 से ऊपर की, और ये देखिए आगे ये 601 पे यहाँ बॉर्डर नजर आ रहे हैं, तो ये प्रिंट में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी कि जब आप उस ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे इसके प्रिंट पे, तो जहां जहां ये ग्रिड लाइंस मौजूद हैं वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप उनको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम से मतलब जहां आप डेटा टाइप कर देंगे वो सारे के सारे प्रिंटेबल हो जाएंगे, और जहां आप यहां से चेक हटा देंगे, तो अब आप नोट कर लें प्रिंट प्रीव्यू में जाके कंट्रोल पी शो प्रिंट प्रीव्यू, और यहां पेज नंबर 18 पे क्लिक करते हैं, तो देखें अब यहां पे बॉर्डर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली रह गई इसके अंदर कलर स्कीम की बात, तो वो आप बेहतर तरीके से इसमें कोई भी कलर्स डाल दीजिएगा, मैं फोटो भेज रहा हूँ उसके कलर्स को चूज करके उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह ये आपकी मीटर रीडिंग की डिजाइन भी हो जाएगा, उसका पेज सेटअप भी हमने देखा, और इसको हमने देखा कि अगर बड़े पैमाने पे काम करना है तो कैसे इसको रिपीट करना है, कैसे बॉर्डर्स को प्रिंट करते हैं, और कैसे ग्रिड लाइंस को प्रिंट में ला सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है, और स्केल की एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है।